विस्की, एक बियर, टू वोडका। और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? अरे अभी इतने तो खाली कर लेने दे, फिर बाद में मंगा लेंगे। तू जा ले क्या? बड़ा सही है, आज खुल के ऑर्डर कर रहा है। हाँ, अपने लौंडे का प्रमोशन जो हुआ है, फॉरेन जा रहा, इतना तो बनता ही है ना भाई। हाँ भाई, क्यों नहीं, सारी पूरी जिंदगी इसी चक्कर में तो पढ़ाई करी, लेकिन अच्छी जॉब मिल सके। देख, अपना ज्यादा आसमान उड़ने का शौक नहीं है, एक आध पार्टी भी मैं वही दे रहा जहाँ पहले मिला करते थे। सही बोला दोस्त, मैं तो अपने बाप के बिजनेस में ही खुश रहता हूँ, मेरे को तो फालतू की मगजमारी में पढ़ना ही नहीं है। मैं तो तेरे को भी बोलता हूँ, स्टार्टअप के चक्कर में अपना जॉब मत छोड़, धीरे धीरे तेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। हाँ भाई, कितना जल्दी आ गया क्या? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एक काम कर, तू ऊपर ही आ जा ना, अपने नीलेश और जयंत भी तो है यहाँ पे। अरे इतना मत सोच, आ जा। कौन था? अरे अपना अभिषेक। अच्छा, अपना टॉपर दोस्त। वो अभी भी तेरे कांटेक्ट में है? कॉलेज के बाद से तो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अरे वो हम लूजर के साथ कहाँ ही बैठेगा। लूजर्स और हम? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली तैयारी के लिए ना। और भाई कहाँ था इतने दिन? बस भाई थोड़ा काम वगैरह। अरे तू तो दिल्ली गया था ना, तो क्या बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, क्या हुआ तेरा? मैंने तो सोचा था तू तो ऑफिसर बन के आएगा भाई, फिर हमारी भी थोड़ी हवा होती शहर में। देख भाई, कुछ नहीं होता इन सब में, रियलिटी में जीना सीख। तूने भी मेरे जैसे अगर जॉब किया होता ना, तेरा भी प्रमोशन हो चुका होता। चार साल बर्बाद किया ना तूने यूपीएससी के चक्कर में, मिला क्या कुछ? नहीं ना। और हाँ दोस्तों, में आई एस बनने का ढिंढोरा पीट रहा था वो अलग, तब तो हमें लगता था कि हम फुद्दू हैं, लेकिन अब हम फुद्दू ही सही है भाई। मतलब बाहर क्या हुआ? बाहर लग गई। मैं आता हूँ। अब तुझे क्या हुआ? मैं आता हूँ। आ जा रहा विवेक। इसीलिए यार, सिर्फ इसीलिए मैं सब लोगों के पास नहीं बैठता, वो सब मुझे समझते हैं यार। जिस तरह से वो सब मुझको देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, कि देख गया था वाला हीरो बना और लूजर बन के घूम रहा है। हाँ भाई, नहीं कर पाया मैं यूपीएससी की, यार क्या करूं, पहली संभालना है यार, अब और पैसे नहीं है मेरे पास, सिर्फ दो नंबर, सिर्फ दो नंबर के कारण बन गया मैं टॉपर सेंटर रिसीवर। हंस लो यार मेरे ऊपर, हंस लो भाई। दूसरों की बातों को इतना दिल पे क्यों लेता है तू? ये सब तो जो तुझे कह रहे हैं ना, उन लोगों ने कौन सा कुछ उखाड़ लिया है? छोटी चीज को अचीव करना बहुत इजी होता है, पर बड़ी चीज को अटेम्प्ट करने के लिए गट्स चाहिए, गट्स। तूने अपना 100% दिया ना, वो इम्पोर्टेंट। तूने जो अटेम्प्ट किया है ना, वही काबिले तारीफ है। अब दिल छोड़ा मत कर, चल। अरे चल, तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाता हूँ, चल।